तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे माइनक्राफ्ट के अंदर बना सकते हो एक वर्किंग एवेलेटर, बोले तो एक लिफ्ट। और आज की वीडियो में आपको इसका एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही इजी ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बातों से कुछ भी समझ में ना आए तो मैंने इसमें सबटाइटल भी डाल रखे हैं, आप लोग वो देख के समझ सकते हो। और मुझे पता है आपका दिमाग 56 लाख का है, तो आप लोग इजीली समझ जाओगे। जो मैंने स्टेप बताए आप लोग बस वो स्टेप देखते रहना, कुछ भी मत सुनना, मेरी बात ही मत सुनना, बस जो स्टेप बताए वो देखते रहना, वो देख के आप लोग बिल्कुल इजीली समझ जाओगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो चलो हम लोग गेम के अंदर आ चुके हैं। एंड अब आपको क्या करना है, आपको बस मेरे स्टेप को फॉलो करना है। ये देखो जैसे मैं गड्ढा कर रहा हूँ, आपको सेम ऐसे ही एक गड्ढा कर लेना है, बिल्कुल बढ़िया सा। और फिर आपको एक इधर गड्ढा करना है और एक इधर, और बीच में आपको दो ऑफसाइडियन लगाने हैं और इनके ऊपर लगानी है दो स्लाइम बुक। फिर आपको एक स्टिकी पिस्टन यहाँ पे रखना है और एक स्टिकी पिस्टन रखना है यहाँ पे कुछ इस तरह से। एंड इनके ऊपर लगा देनी है आपको दो स्लाइम बुक। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको एक स्टिकी पिस्टन ऐसे लगाना है और एक ऐसे। फिर आपको यहाँ पे स्लाइम बुक लगा के ये एरिया को पूरा बंद कर देना है। अब आप यहाँ पे किसी भी ब्लॉक से ये दो गड्ढे बंद कर देना। एंड ऊपर की तरफ स्लाइम बुक लगा के यहाँ पे भी आपको दो ब्लॉक लगा देने हैं। अब ये जो गड्ढा बचा है इसमें आपको ऑफसाइडियन रखना है एंड इसके ऊपर ऑफ सर्वर रख देना है। अब इस गड्ढे में आपको एक ब्लॉक रखना है एंड इसके ऊपर ऑफ सर्वर रख देना है और ये नीचे से हटा देना है, तो आपका ये ऑफ सर्वर हवा में टंग जाएगा। अब आपको एक ऑफ सर्वर यहाँ पे लगाना है एंड इसके पास आपको लगाना है स्टिकी पिस्टन और इस पे लगाना है एक बटन, और फिर देखो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। तो अभी इसको हटा देते हैं। और अब आपको देखो क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑब्जर्वर लगाना है एंड ये जो ऑब्जर्वर है इसके पास में स्टिकी पिस्टन लगा देना है। और अब आपको कोई सा भी ब्लॉक लेना है एंड कुछ इस तरह से लगा देना है, आपको इसे एक डोर का शेप दे देना है। देख सकते हो मैं जैसे कर रहा हूँ आपको ऐसे ही इसको कर देना है। यहाँ पर भी आपको ब्लॉक लगा के इस साइड में एक बटन लगा देना है। तो ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं ऊपर के पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर आपको पहले से ही एक बाउंड्री बना लेनी है और जैसे मैं बना रहा हूँ आपको सेम ऐसे ही ये बनाना है। एंड फिर आपको यहाँ पे दो ऑफसाइडियन लगा के ये जो हमने बनाया था इसको आपको हटा देना है, ये देख सकते हो कुछ ऐसे। तो अब हम जैसे यहाँ पर आके ये वाला बटन दबाएंगे तो हमारी लिफ्ट हो जाएगी शुरू और हम लोग आसमान की ऊंचाइयों में चले जाएंगे ऊपर। और अभी ये पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें थोड़ा सा काम और बाकी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपनी लिफ्ट तो काम कर रही है, हम लोग ऊपर आ चुके हैं। तो अब आपको यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना है, देन आपको यहाँ पर एक स्टिकी पिस्टन को लगा के वो जो ब्लॉक लगाया था उसको हटा देना है एंड एक स्टिकी पिस्टन आपको यहाँ पर लगाना है। और अगर हम यहाँ पे एक बटन कुछ इस तरह से लगा दें तो ये कुछ ऐसे काम करेगा, बट बटन हमको नहीं लगाना है, यहाँ से बटन हमको हटाना है एंड हमें लेना है एक ब्लॉक। और जैसे हमने नीचे की साइड गेट का फ्रेम बनाया था ऐसे हमें यहाँ पर बनाना है। ये देखो हमें पूरे ब्लॉक से इसको आराम से बिल्कुल ढक देना है, बिल्कुल प्यारा सा गेट का शेप देना है। और अब हमें यहाँ पर एक बटन लगा देना है एंड यहाँ पर भी हम लोग ब्लॉक लगा देते हैं। तो ये देखो अपना कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है, आप लोग इसको किसी भी तरीके से जो है ना वो तैयार कर सकते हो। और अब हम लोग जैसे ही ये वाला बटन दबाएंगे तो हमारी लिफ्ट हो जाएगी स्टार्ट। ये देखो भाई क्या मस्त लिफ्ट बनी है और कितने अच्छे से ये काम कर रही है। जो नीचे और ऊपर का मेन पार्ट था वो मैंने आपको बनाना सिखा दिया, बाकी जो बीच का पार्ट है वो आप अपने तरीके से बना सकते हो, कैसे भी आप उसको डेकोरेट कर सकते हो। तो अब हम लोग ये वाला बटन दबाएंगे तो ये नीचे के साइड भी जाएगी, तो हमारी लिफ्ट नीचे की तरफ भी काफी अच्छे से जा रही है और बहुत ही अच्छे से हमारी लिफ्ट काम कर रही है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसको कैसे बनाना है। तो गाइस ये था एक इजी ट्यूटोरियल माइनक्राफ्ट के अंदर लिफ्ट को बनाने का, आप लोगों को जरूर बताना आपको ये समझ में आया या फिर नहीं आया, बहुत ही इजी स्टेप थे, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करो एंड घंटे को ऑल पे सिलेक्ट करो, क्योंकि यहाँ पर आपको खतरनाक खतरनाक गेम प्ले वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।